लेकर आए हैं खास सेगमेंट। आज शुक्रवार के दिन हम आपके लिए कुछ ऐसे ही सुपर सेगमेंट लेकर आते रहेंगे, और इस वक्त हम अपने खास सेगमेंट का रुख करते हैं, वो है मार्केट गपशप, जिसके लिए अभिषेक और अजय मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक, ओवर टू यू। नमस्कार, मार्केट गपशप में आपका स्वागत है। इस खास सेगमेंट में मेरे साथ मेरे सहयोगी अजय शर्मा। तो दुनिया भर में ब्याज दरें बढ़ने के कारण चिंताएं बढ़ती जा रही हैं और दरों में बढ़ोतरी से दुनिया भर में मंदी की आशंका भी है। घरेलू बाजार से भी महंगे ब्याज से डिमांड में कमी के संकेत मिल रहे हैं। ब्याज दरों में बढ़ोतरी का कितना असर और कहाँ असर हो रहा है, और आगे दरों को लेकर कितनी बढ़ोतरी के आसार हैं, आपकी जेब पर कितनी असर पड़ेगा, आपकी ईएमआई कितनी बढ़ जाएगी, और देश की इकोनॉमी के लिए कितने सेंटिमेंट यहाँ से वीक हो सकते हैं, इन सब मुद्दों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ अजय तो जुड़े हुए हैं और साथ में कंप्लीट सर्किल के गुरमीत चड्ढा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। गुरमीत, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। लेकिन अजय, शुरुआत आपसे करना चाहेंगे। एक जमाना था जब ना अमेरिका से अच्छी खबरें आती थी तो हम खुश होते थे, लेकिन अब ना रिवर्स हो गया है। अगर वहां पर जॉब्स बढ़ गई तो टेंशन, अगर वहां पर रिटेल स्पेंडिंग के अच्छे आंकड़े आ जाए तो टेंशन। दिक्कत ये है कि नहीं, लोग सोचते हैं कि नहीं यूएस फेड ब्याज ने फिर से बढ़ा दे ज्यादा, आखिर ये नौबत आई क्यों अजय? ये आपने बहुत बढ़िया सवाल सवाल पूछा है, और ये आप उस समय की बात बता रहे हैं जब यूएस में ज़बरदस्त तरीके से स्टिमुलस दिया जा रहा था और आए दिन यूएस मार्केट एक बहुत ज़बरदस्त तेज़ी में चल रहे थे, और हम यहाँ इमर्जिंग मार्केट में और इंडिया में भी इसका पूरा फ़ायदा उठा रहे थे, क्योंकि जितना भी पैसा यूएस ट्रेजरी में प्रिंट हुआ, फेड रिजर्व ने प्रिंट किया और बाज़ार में अपनी इकोनॉमी को कुशन करने के लिए और मदद करने के लिए कोविड के बाद डाला था, वो सारा पैसा, काफ़ी बड़ा हिस्सा इमर्जिंग मार्केट में आया, उसका फ़ायदा भारत को भी मिला। लेकिन अगर आप कुछ देखें कि उसका एक दुष्परिणाम भी हुआ, उसने कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन को बहुत ज़्यादा ट्रिगर कर दिया। पूरी दुनिया में ज़्यादा पैसा कुछ चीज़ों को चेज करने लगा और एक बढ़े हुए इन्फ्लेशन और वॉर ने भी उसमें अपना हिस्सा निभाया, और उस चक्कर में पूरा वो साइकिल रिवर्स हो गया है। और अभी हम देख रहे हैं कि यूएस मार्केट में इन्फ्लेशन को काबू करने के लिए, पूरी दुनिया भर में इन्फ्लेशन को काबू करने के लिए ब्याज दरें बढ़ाई जा रही हैं। लेकिन बात यहीं ख़त्म नहीं होती है। अभी दो महीने पहले तक ये बाज़ार को उम्मीद थी कि जितने भी कदम अभी तक उठाए गए हैं ब्याज दर बढ़ा के इन्फ्लेशन को काबू करने में, वो शायद काफ़ी हों। और हमने कुछ डेटा पॉइंट्स ऐसे देखे जब हमें इन्फ्लेशन की रीडिंग, आप जॉब्स डेटा की बात कर रहे हैं, वो सारी रीडिंग नीचे गिरना शुरू हुई तो बाज़ार ने एक रिलीफ रैली देखी। लेकिन लेटेस्ट डेटा के देखने के बाद लोगों ने रियलाइज़ किया, फेड गवर्नर साहब ने भी रियलाइज़ किया कि अभी इन्फ्लेशन पूरी तरह काबू में नहीं आया है, और इस वजह से बाज़ार ने अब एक रुख बदला है। यूएस मार्केट में अच्छे डेटा को बुरी नज़र से देखा जाता है, मजबूत डेटा को इस तरीके से देखा जाता है कि अभी ये और रेट हाइक्स लेके आएगा, और ये बदला हुआ माहौल है, और इसीलिए ब्याज दरों में अपसाइड रिस्क दिखाई दे रहा है। अद्भुत दौर है, यहाँ से बढ़ने के चांसेस ज्यादा अद्भुत दौर कहेंगे, मतलब अगर कोई ऐसे पढ़ रहा हो तो शायद समझ में ना आए कि हो क्या रहा है। अच्छे आंकड़े आते हैं, बाजार गिर जाता है, लेकिन ये डेटा देखिए आपके सामने है, ये 4% से बढ़ने की शुरुआत हुई भारत में, 6.5% के आसपास हम पहुंच गए हैं, 7 रेट हाइक यहाँ हो गए हैं, 7 रेट हाइक यूएस में हो गए हैं, और वहाँ से जो कमेंट्री आ रही है अभी यूएस फेड के जो अलग अलग स्टेट्स के जो गवर्नर है वो कहीं से भी कन्विंसिंग आ रही है, रोल बैक के कोई संकेत नहीं मिल रहे हैं, थोड़ी स्पीड शायद तो हो जाए लेकिन रह रहा है कि वो भी स्पाइकअप होती रहती है। ये बताइए कि आम आदमी की अगर बात करें इस सारे सिनेरियो का, आप किस तरह असर देख रहे हैं और आप किस तरह से महंगाई लोगों की जेब को खाली कर रहा है? देखिए, आपने बहुत बढ़िया बात कही कि पिछले 1.5-2 साल में 7 रेट हाइक यूएस में देखे, लेकिन ये जो मैंने बताया कि पिछले 25 दिनों में जिस तरह का डेटा आया यूएस में, मोटी मोटी बात यह है कि रेट हाइक का सिलसिला अभी यूएस में थोड़ा और जारी रह सकता है। यानी बाजार यूएस का मार्केट जो नरम हुआ है पिछले 3-4 हफ्ते में, यूएस की बॉन्ड यील्ड बढ़ी है, अब एक नई वास्तविकता को एम्ब्रेस कर रहा है और उसको अप्रोच कर रहा है यूएस मार्केट। यूएस मार्केट में अनुमानों के अनुसार 3 रेट हाइक एडिशनल यहाँ से भी हो सकते हैं, और क्योंकि वो सबसे बड़ा रिजर्व बैंक है और सारे सेंट्रल बैंक फेड रिजर्व को देखते हैं ब्याज दर का अंदेशा लेने के लिए, हमारे गवर्नर साहब ने भी अपनी पिछली पॉलिसी में ये गुंजाइश छोड़ दी, ये कह के कि थोड़ा एल्बो रूम अभी है हमारे पास, अगर
कंट्रोल में नहीं आया इन्फ्लेशन, महंगाई दर काबू में नहीं आई, तो शायद हमें भी कड़े कदम उठाए जा सकते हैं। तो इन बातों को देखते हुए लग रहा है कि हमारे देश में भी अभी थोड़ी और गुंजाइश ब्याज दरों के ऊपर बढ़ने की है और इसका खामियाजा हमें और आपको और सारे कंज्यूमर्स को बिल्कुल अजय भुगत रहे हैं। आप ये आंकड़े देखिए, हमारे प्रोड्यूसर साहब ने बहुत मेहनत करके ये तैयार कराए हैं कि बढ़ती ब्याज दर कैसे जेब को खाली कर रही है या फिर कैसे उस पर कट मार रही है और नुकसान पहुंचा रही है। अगर हम ऑटो लोन की बात करें तो 5 लाख का लोन अगर किसी ने 3 साल के लिए अगर लिया होगा अप्रैल 2022 में, तो उस वक्त उसकी जो ईएमआई आ रही थी वो आ रही थी 15,807 रुपये हर महीने और अब वो बढ़ के हो गई है 16,393 रुपये प्रति महीना, यानी कि 1 साल में तकरीबन 600 रुपये प्रति महीने की ईएमआई बढ़ गई है। ये असर आ रहा है और ये सिमिलर असर हम देख रहे हैं कि अगर किसी ने होम लोन लिया होगा उस पर भी वही असर आ रहा है और वहाँ पर भी काफ़ी तेज़ी से ब्याज बढ़ने के चलते ईएमआई में बढ़ोतरी हुई है। 50 लाख का अगर हम एक 20 मान के चले लोन का 20 साल के लिए, तो अप्रैल 2022 में जो 38,018 रुपये जो प्रति महीने जो ईएमआई आ रही थी वो बढ़ के 45,793 रुपये का फिगर हो गया है, यानी कि करीब करीब 8,000 रुपये प्रति महीने की ईएमआई बढ़ गई है पिछले 1 साल में। तो अगर किसी ने इसके लिए प्लान नहीं किया होगा मुश्किल में पड़ जाएंगे वो। तो देखिए ये बहुत अहम डेटा है जो आप लेके आए हैं, क्योंकि जिस हिसाब से देखिए एक मध्यम वर्ग मिडिल क्लास अपर मिडिल क्लास घर का खरीद जो करते हैं वो ईएमआई पे करते हैं, गाड़ियों का ईएमआई पे करते हैं, जनरली हमारे देश में ईएमआई का प्रचलन है। और अगर आप अपने घर की ईएमआई अचानक 10-15% बढ़ी हुई पाएँ धीरे धीरे और कार की ईएमआई भी, आपकी आमदनियां उस प्रोपोर्शन में उसी रेट से नहीं बढ़ रही हैं और इसलिए होगा ये। पिछली तिमाही में थर्ड क्वार्टर में हमने देखा पेंट कंपनीज अपैरल कंपनीज ने ऑलरेडी थोड़ी थोड़ी नरमी देखी अपनी वॉल्यूम ग्रोथ में। लोग या तो डाउन ट्रेड कर रहे हैं, यानी 100 रुपये का माल खरीदते थे वो 80 वाला ले रहे हैं अपनी क्योंकि आमदनी बढ़ी नहीं उसको एडजस्ट करने के लिए, या फिर अपने खर्चे पोस्टपोन कर रहे हैं डिले कर रहे हैं। और ये बाजार को डर है कि अगर ये इस तरह से चलता रहा बढ़े यहाँ से ईएमआई भी बढ़ी तो कई सेक्टर के ऊपर और नरमी दिखाई दे सकती है। डेफिनेटली कई सेक्टर के, आप देखिए हम घरों की बात कर रहे थे अजय, और आप रियल एस्टेट स्टॉक्स को देख लीजिए, उसमें अगर आप दिग्गजों को देखेंगे तो ताज्जुब होगा कि 2022 के हाई से वो स्टॉक करीब करीब 30-40% तक टूट गए हैं। DLF, मैक्रोटेक, ये सारे के सारे स्टॉक नीचे हैं। आप देखिए 18% ब्रिगेड नीचे है लास्ट ईयर के हाई से, DLF करीब 19% नीचे है। गोदरेज प्रॉपर्टीज जो कि प्रीमियम सेगमेंट में ऑपरेट करता है, उन लोगों के लिए ऑपरेट करता है जिनके लिए सैलरी वाकई बहुत बड़ी टेंशन नहीं रखती है, लेकिन 45% ये शेयर करेक्ट हो गया है। और मैक्रोटेक में 41% जो कि ये भी प्रीमियम कैटेगरी वाला है, यहाँ पर भी हम भारी मार देख रहे हैं। तो अब रियल एस्टेट पर उसकी भारी मार है और ये उम्मीद की जा रही थी कि नहीं इस साल तो सरकार ने इतना बड़ा बजट लेके आई है, कैपेक्स में 33% के आसपास की बढ़ोतरी की है, हाउसिंग रूरल इंफ्रा को लेकर काफ़ी ऐलान किए हैं, तो थोड़ा सपोर्ट मिलेगा इसकी उम्मीद कर रहे थे, लेकिन वो अभी होता दिख नहीं रहा है। देखिए दो पार्ट से इसको बांटते हैं, एक तो ये कि सरकार की जो जितने भी कदम है प्रधानमंत्री ग्राम आवास योजना और जितने भी रूरल हाउसिंग वाले हैं उसमें मध्यम वर्गीय और लोअर लेवल को वो मुहैया कराते हैं मकान। ये जो लिस्टेड कंपनीज हैं या तो अर्बन या मिडिल क्लास के लिए मकान बनाते हैं। स्टॉक मार्केट बड़ा विचित्र प्राणी है, स्टॉक मार्केट में वो खबर को की पुष्टि होने का इंतज़ार नहीं करता, वो आगे आने वाले 6 महीने 8 महीने को आज डिस्काउंट करता है। आपने ये जो डेटा लेके आए हैं स्क्रीन पे, मैक्रोटेक और ओबरॉय तो पूरा प्रीमियम है, उनको आधा नहीं होना चाहिए था लेकिन वो टॉप से आधा इसलिए हो गए क्योंकि ये जो सेगमेंट था कुछ महीने पहले तक सॉलिड वॉल्यूम ग्रोथ डबल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ डेफिनेटली दिख रहा था। लेकिन बाजार को ये डर है और बाजार इसको डिस्काउंट कर रहा है आज कि आगे आने वाले क्वार्टर्स में ये जो सेगमेंट था कंजम्पशन का रियल एस्टेट जो अभी तक मजबूत खड़ा था शायद आगे आने वाले क्वार्टर्स में वहां भी नरमी आएगी, इसलिए मुनाफा वसूली का घंघोर प्रदर्शन आपको लगभग सारे स्टॉक्स में नजर आ रहा है, चाहे वो मिडिल वाले हो प्रीमियम हो। इनसे जुड़े जो सेगमेंट है आप देखिए एशियन पेंट्स लगातार प्रेशर में है, क्योंकि अगर घरों की डिमांड कम होगी तो निश्चित तौर पर पेंट की डिमांड तो कम होगी। लेकिन अजय उम्मीद करेंगे कि जो सर्वे आ रहे हैं ना सैलरी बढ़ने को लेकर उसको लेकर थोड़े खुश हो सकते हैं क्या? जी आपने सही कहा, आपने एवन के सर्वे का जिक्र किया जो कल शाम को आया है, देश भर में उसकी चर्चा है कि 10.5% एवरेज की हाइक हो सकती है तनख्वाहें, लेकिन मैं उसको थोड़ा सा पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ देखूंगा क्योंकि महंगाई जो है
जिस अनुपात में प्रपोर्शन में बढ़ रही है तनख्वाहें, उस प्रपोर्शन में नहीं बढ़ रही हैं। और अभी हमने FMCG कंज्यूमर कंपनियों के वॉल्यूम ग्रोथ में नर्मी देखी और थोड़े और कंजम्पशन आइटमों में नर्मी देखी। रियल एस्टेट अभी तक बचा रहा है, लेकिन आगे आने वाले 2-3 क्वार्टर में अगर रेट हाइक्स यहाँ से बढ़ते हैं तो कोई भी सेक्टर कम्प्लीटली बचा नहीं रहेगा, वहाँ भी नरमी देखने को मिलेगी। और उसी के लिए, उसी की आशंका में स्टॉक मार्केट इन स्टॉक्स को आज प्रॉफिट बुकिंग कर रहा है और उसकी आज डिस्काउंटिंग कर रहा है। अजय, तो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, लोग अब यही जानना सुनना चाहते हैं कि क्या मान के चलें कि पीक आउट हो गया है या उसके आसपास है या फिर अभी और बढ़ेंगी, खतरे उसके हैं क्या अभी? आपने बहुत बढ़िया सवाल पूछा अभिषेक। सवाल ये कि ये स्ट्रक्चरल इशू है या टेम्परेरी है, तो मैं अपने व्यूअर्स को बता दूं कि हमने काफ़ी नेगेटिविटी अभी बारे में बात की, लेकिन ये स्ट्रक्चरल इशू नहीं है, ये टेम्परेरी इशू है। 6 से 8 महीने में दुनिया भर में रेट हाइक्स पीक होने की आशंका है, यहाँ पर भी पीक होंगे, तो 2 क्वार्टर का खतरा है, 2 क्वार्टर बाजार को थोड़ा नेगोशिएट करना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा। लेकिन स्ट्रक्चरली हाउसिंग, होम फाइनेंसिंग, कार ओनरशिप और घर का ओनरशिप देश में इतना बड़ा मार्केट है कि, और 10 साल का मार्केट चलता है, ये साइकिल 10 साल का चलता है रियल एस्टेट का, मुझे लगता नहीं है कि स्ट्रक्चरली कोई बहुत बड़ी दिक्कत हुई है या बहुत बड़ा स्लो डाउन इसमें आ सकता है। लेकिन स्टॉक मार्केट डे टू डे, मंथ टू मंथ रिएक्ट करने वाली चीज़ है, तो इसलिए अब यहाँ पर कैसे रिएक्ट किया जाए और अप्रोच किया जाए ट्रेडर को, इन्वेस्टर को, ये चर्चा हम गुरमीत जी के साथ। ठीक है, तो आपने साइकिल की बात की, मुझे सर्कल याद आ गया, कंप्लीट सर्कल के गुरमीत जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। गुरमीत जी, आपसे समझना चाहेंगे कि ये जो पूरा सिनेरियो है इंटरेस्ट रेट वाला, ये बढ़ रहा है, ग्लोबली ये चिंताएं हैं और मल्टी ईयर हाई पर इन्फ्लेशन चल रहा है, कहीं कूल डाउन होने के बहुत पुख्ता संकेत अब तक मिले नहीं हैं, आप इसको बाजार से क्लब करके कैसे देख रहे हैं? थोड़ा सा मुश्किल रहा है पिछले 16-18 महीने। अभी के पिछली बार निफ्टी जब 18,000 के पार हुआ था तो अक्टूबर 2021 था, तब हमारा ट्रेलिंग पी 26 होता था, अभी लगभग 20 के आसपास है, फॉरवर्ड शायद 17-18 टाइम्स है, डिपेंडिंग अपॉन आपका अर्निंग का एस्टिमेट क्या है। तो बाजार में जो प्राइस करेक्शन होता है वो तो जल्दी हो जाता है, टाइम करेक्शन थोड़ा ग्राइंडिंग होता है और ये आपका पेशेंट टेस्ट करता है। और ये मैं 30 साल से मार्केट में हूँ, ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि दो साल तीन साल तक बाजार ने रिटर्न नहीं दिया है या मार्जिनली नेगेटिव रिटर्न दिया है, ये होता रहता है। और टिपिकली इस फेज के बाद एक अच्छा अपसाइड आता है। तो जैसा अजय ने भी बोला कि हमें थोड़ा सा फॉरवर्ड लुकिंग होना पड़ेगा और दो चीजें करनी पड़ेंगी। पहली चीज कि हमें ये देखना है कि कहाँ पे 2-3 साल का व्यू अच्छा है, कौन सी कंपनीज, कौन से पॉकेट्स ऐसे हैं जहाँ की प्रॉफिट यहाँ से 2-3 टाइम्स बढ़ सकता है अगले 3-4 साल में। दूसरा हमें देखना है कि कौन सी ऐसे पॉकेट्स हैं जहाँ अभी भी कंसर्न है, तो बाजार में कुछ क्या ना करना उतना ही इंपॉर्टेंट है कि हमें क्या नहीं खरीदना चाहिए, है ना। तो कई बार प्राइस करेक्शन से लगता है कि चीज अच्छी हो गई है, सस्ती हो गई है, बट वो कई बार ट्रैप होता है जो कि हमने देखा है बहुत सारे पॉकेट में। तो थोड़ा सा मुझे लगता है कि कंसोलिडेशन चाहिएगा, बाजार को अनसर्टेनिटी पसंद नहीं है और अनसर्टेनिटी क्या है कि कितने रेट हाइक और होंगे। तो जैसी इस पे एक सर्टेनिटी हो जाएगी कि टर्मिनल रेट 5.20 है या 5.30 है यूएस में या 5.40 है जो भी हुए और हमारा टर्मिनल रेट 6.75 है रेपो का या जो भी उसके आसपास है, उसके बाद मुझे लगता है आपको, क्योंकि बाजार फॉरवर्ड लुकिंग है, कि तब तक आप थोड़ा सा अगर आप इन्वेस्टर हैं, अगर आपको मार्केट बहुत नर्वस कर रहा है तो कई बार कुछ ना करना भी बहुत अच्छा डिसीजन होता है। गुरमीत, आपकी तो कंपनी का नाम ही कंप्लीट सर्कल है, जैसा अभिषेक कह रहे थे आपने पूरा साइकिल देखा है तेजी मंदी का। ये बताएं कि रियल एस्टेट रैली जो आई थी ना, 400 रुपये का मैक्रोटेक का स्टॉक लिस्ट हुआ था 450 का, 1400 तक किसी को मौका ही नहीं दिया और अब जो है नीचे के दाम में मिल रहा है। काफ़ी हद तक रियल एस्टेट रैली बहुत इन्वेस्टर्स ने मिस की, बहुत ने लेट ज्वाइन की। मुझे आप ये बताएं कि ये बात भी सच है कि ये स्ट्रक्चरल नहीं है इशू, ये एक आध साल में पिक आउट होगा। कौन से ऐसे रियल एस्टेट के पसंदीदा स्टॉक्स हैं आपके जो ये 25-30-40% नीचे मिल रहे हैं, सॉलिड कंपनियाँ हैं जो हमारे निवेशक और पोजिशनल ट्रेडर व्यूअर्स जो है कंसिडर कर सकते हैं इस मंदी के फेज में लेने के लिए? अजय जी, हमने देखा है कि हाउसिंग को आप दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक प्योर रियलिटी पे और एक हाउसिंग का जो प्ले होता है जिसे हम बिल्डिंग मटेरियल बोलते हैं। मैं दोनों को लेके कंस्ट्रक्टिव हूँ, मैं बिल्डिंग मटेरियल को लेके ज्यादा कंस्ट्रक्टिव हूँ क्योंकि आप देखेंगे कि जो कैपिटल आउटले गवर्नमेंट ने किया है, ये GDP का 1.6% होता था, लगभग 3.3% है, डबल हो गया है पिछले 3 साल में और काफी बड़ा अमाउंट है। तो इसका आपको इम्पैक्ट इंफ्रा पे, हाउसिंग पे, सब में देखने को मिलेगा। तो मैं सीमेंट को लेके काफी कंस्ट्रक्टिव हूँ,
कंसोलिडेशन भी हुआ है, थोड़ा बहुत करेक्शन भी हुआ है। तो अक्रॉस लार्ज कैप में अल्ट्राटेक है, एसीसी बिलो रिप्लेसमेंट कॉस्ट है, कुछ छोटी कंपनियों में सागर सीमेंट जैसी कुछ अच्छी कंपनी है जो हमें अच्छी लगती हैं। बाकी हम कुछ स्टॉक्स ज़्यादा गिरे भी नहीं है, जैसे अगर आप पॉली कैप देखेंगे तो अभी भी 3,000 के आसपास के लेवल पे बहुत अच्छा कर रहा है। केबल्स वायर्स में है, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रिकल गुड्स में है। रियलिटी में आप अगर आप देखेंगे तो आपको ज्योग्राफी वाइज जाना पड़ेगा। हम डीएलएफ को ट्रैक कर रहे हैं, आपने अभी न्यूज़ भी देखी होगी कि 3 दिन में लगभग 1100 फ्लैट उन्होंने बेच दिए, जिसकी कीमत करीबन 7-8 करोड़ थी। और ये गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड है गुड़गांव में, ये प्राइम गोल्फ कोर्स रोड नहीं है, और 20-22 हज़ार रुपये का रेट मिल रहा है। तो डीएलएफ का हमने देखा कि जो गाइडेंस दिया था उन्होंने 8,000 करोड़ का, उन्होंने पिछले 9 महीने में ऑलरेडी 6,500 करोड़, 6,860 करोड़ के आसपास कर दिया है, तो एक्सीड करेंगे। रेंटल आम भी उनका अच्छा कर रहा है, 1,000 करोड़ के आसपास का उनका क्वार्टरली रन रेट है। ऑक्यूपेंसी रेट देखेंगे तो लगभग लगभग 89% है। और वो उनका और भी प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, जैसे डाउनटाउन आ रहा है गुड़गांव में, चेन्नई में आना है 1 साल बाद डाउनटाउन चेन्नई, तो अच्छा पाइपलाइन भी है रेंटल बिजनेस का, तो हमें अच्छा लगता है। पर रियल एस्टेट जो रियलिटी होता है इसका ज्यादा, ये इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव ज्यादा होता है, क्योंकि बाजार ये प्राइस कर रहा है कि ईएमआईज बढ़ेंगी, इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, तो आगे जाके जैसा आपने बोला बाजार आगे देखता है। तो रियल एस्टेट थोड़ा हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड ट्रेड ऑफ है, तो अगर आपका रिस्क कैपेटाइट ज्यादा है तो आप रियलिटी प्लेयर्स ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको स्टेडी प्ले लेना है जिसमें मॉडरेट रिस्क और वोलेटिलिटी कम है, तो उसमें बिल्डिंग मटेरियल ज्यादा अच्छा प्ले है। अच्छी सीमेंट कंपनीज, अच्छी केबल्स एंड वायर्स कंपनीज, अच्छी पीवीसी पाइप कंपनीज, ज्यादा स्ट्रक्चरल प्ले है। तुम कर रहे थे थोड़ा गंभीरता की तरफ बढ़े, और दर्शक ये चाहते भी हैं कि थोड़े हम गंभीर प्रश्न भी करें शो में। एक आखिरी सवाल, आपने बोला कि बिल्डिंग मटेरियल सीमेंट की तरफ भी थोड़ा सा देख सकते हैं, लेकिन इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव तो और भी बहुत सारे सेक्टर हैं, ऑटो है, हाउसिंग फाइनेंस की बात करें तो वो भी है, रियल एस्टेट तो खैर है ही, कहीं और आपकी नज़र है, आपको लग रहा है जहाँ वैल्यूएशन थोड़े से वाजिब सही भाव पर हैं और नज़र बना के वहाँ पर रखें या फिर खरीद लें अभी? मुझे लगता है हमें लगता है कि ऑटो में आपको ये देखना है कि किस कंपनी ने मॉडल सही क्रैक किया है। आपको याद होगा मारुति ने 2013-17 में वो 1.3 लीटर इंजन क्रैक कर लिया था, तो स्विफ्ट, स्विफ्ट डिजायर, बलेनो, ब्रेजा, सारे मॉडल्स उनके टॉप सेलिंग मॉडल्स से। M&M में हमें वही चीज अब देखने को मिल रही है एसयूवी में, जो 1.92 लीटर वाला इंजन है, काफी बैक टू बैक 5 सक्सेसफुल लॉन्चेस हुए हैं। टाटा जो सिडान ईवी में है बहुत डोमिनेंट है, बट आगे का भी पाइपलाइन बहुत अच्छा है। टू व्हीलर में हमने देखा टीवीएस का ऑपरेटिंग मार्जिन 5 से 10% हो गया जैसे ही अपाची और जुपिटर आया, और अब आईक्यू पे ध्यान दे रहे हैं। तो सही मॉडल क्रैक करना बहुत जरूरी है, तो मुझे लगता है ऑटो में कुछ पॉकेट्स में वैल्यू दिखता है, एंसिलरीज में भी दिखता है, और उन कंपनीज में जिन्होंने वो मॉडल जो है बिल्कुल ठीक तरीके से क्रैक कर लिया है। मुझे इंडस्ट्रियल्स और कैपिटल गुड्स बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि यहाँ पे सब ना एक टिपिंग पॉइंट पे है, जैसे ही आपका यूटिलाइजेशन 75-80% क्रॉस करेगा, मैं स्कूल ऑफ थॉट पे हूँ कि इंडिया में कैपेक्स साइकिल प्ले आउट होगा, और ये लंबी साइकिल होती है, तो उसको खेलने के लिए आप अलग अलग सेक्टर से ले सकते हैं, कैपिटल गुड्स से खेल सकते हैं, सीमेंट की मैंने चर्चा करी, इंडस्ट्रियल्स की चर्चा करी जिससे आप कर सकते हैं। और एक आप मैं थोड़ा सा कॉन्ट्रेरी रूट, जिसमें सबसे ज्यादा पेसिमिज्म है इस टाइम पे, वहां पे मुझे लगता है काफी वैल्यू है, अगर आप लॉन्ग टर्म व्यू देख सकते हैं, केमिकल्स में, फार्मा में बहुत पैसिमिज्म है इस टाइम पे। आपको टाटा केमिकल जैसा स्टॉक 11-12 PE पे मिलता है, बहुत सारे स्टॉक्स काफी 30-40-50% करेक्ट हुए हैं, और वहां पे मुझे लगता है जहां पे मैक्सिमम पैसिमिज्म है वहां पे आप थोड़ा सा अगर स्टैगर्ड अप्रोच रखेंगे तो रिस्क रिवॉर्ड अच्छा है। ठीक है गुरुमित जी, आपने तमाम सेक्टर गिना दिए और बाकी वैल्यू बची है, आप कह रहे हैं कि इंडस्ट्रियल में, कैपिटल गुड्स में, केमिकल स्पेस में भी शायद मौके बन सकते हैं। तो अजय, गपशप करते करते देखिए हमने बहुत सारी गंभीर चीज़ें भी निकाल ली हैं, और यही हमारा मोटिव भी इस शो का कि बिल्कुल हल्के फुल्के अंदाज में चीज़ों को परत दर परत थोड़ा सा डिकोड करें, समझें उसको, और उसके बाद मौके कहाँ पर बन रहे हैं ये भी जानें। तो अब चलिए इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। आप गपशप, मार्केट गपशप के इस एडिशन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए टीना और स्वदेश। गुरमीत जी और अजय और मुझे, इस शो को हम यहाँ पर समाप्त करेंगे। नमस्कार।